नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर खुद को न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी निःशुल्क सहायता के लिए। आज जो हमारा विषय है वो CRPC के तहत आपराधिक शिकायतों से जुड़े कानून से संबंधित है। इसके साथ ही अगर किसी और तरह की कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता कोई उपाय आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोनलाइंस खुल चुकी हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक बार फिर दोहराते हैं, CRPC के तहत आपराधिक शिकायतों से जुड़े कानून क्या हैं। इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो भी आप हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा बातचीत के साथ तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ राजेश कुमार पटवा हैं, आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाईकोर्ट के। साथ ही लखनऊ से केशव पांडे जी हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के। जबकि इलाहाबाद से RC यादव साहब हमारे साथ हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत RC यादव जी मैं आपसे करना चाहूंगा, CRPC के तहत आपराधिक शिकायतों से संबंधित कानून क्या कुछ कहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ शिकायतों के संबंध में दो चीजें हैं। कोर्ट में जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक तो कंप्लेंट दाखिल करनी पड़ती है या FIR रजिस्टर करानी होती थाने में। कंप्लेंट की डिफिनीशन चैप्टर 15 सेक्शन 2D में दी हुई है जी। ये ओरली भी की जा सकती है, लिखित में भी की जा सकती है। आपके साथ घटी हुई कोई भी घटना के संबंध में आप अपनी बात मजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्ट कह सकते हैं जी। और दूसरी चीज ये होती है कि आप जाकर के थाने में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखा सकते हैं, आपके साथ किसी भी प्रकार की घटना हुई हो। दो चीजें हैं ये जी, यानी कि इन्हीं के आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है। राजेश पटवा जी, मैं आपके पास आऊंगा, अगर अपराध संज्ञेय की श्रेणी में आता हो तो उस परिस्थिति में क्या होता है? अपराध जो घटित हुआ है कहीं और वो संज्ञेय की श्रेणी में आता है तो उसमें जैसे ही पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो पहली प्राथमिक जो सूचना दी जाती है जी, उस पे जो है FIR दर्ज होती है, और वो जैसा कि अभी हमारे साथी वकील साहब ने बताया है कि वो मौखिक रूप से या लिखित रूप से हो सकती है, जिसके ऊपर जो है पुलिस FIR रजिस्टर्ड करके आगे कार्रवाई करती है। और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें गिरफ्तारी होती है, बेलेबल है तो वो थाने से बेल दे दी जाती है और आगे चार्जशीट फाइल होती है, वो सारी चीजें हैं इसके अंदर। चले बिल्कुल, और भी हम बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। केशव पांडे जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि अक्सर इस तरह के मामले भी सामने आते हैं जब पुलिस पर सीधा आरोप लगता है कि पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, उस परिस्थिति में क्या कुछ कदम उठा सकता है कोई व्यक्ति अगर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता है कोर्ट के माध्यम से? कोर्ट के माध्यम से अगर पुलिस कोई FIR दर्ज नहीं कर रही है तो कोर्ट के माध्यम से 156(3) के तहत अदालत में अर्जी दी जाती है, और उस पर जो है आपको पूरा क्या आपके साथ घटना घटित की गई है, किसने क्या किया है, किस तारीख को हुई है, ये सब आपको उसमें बताना पड़ता है आपको। और उसके बाद कोर्ट जो है संबंधित थाने से जो है रिपोर्ट मांगती कि कोई रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं दर्ज हुई है। तो घूम फिर के ये होता है कि अगर पुलिस जिस थाने से मांगी जाती है उसने रिपोर्ट नहीं दर्ज की है जी, तो उसी अदालत उसी थाने को आदेशित करती है कि वो मामले को दर्ज करे और उस पर विधि के अनुसार कार्रवाई करे और दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके करे, ये है जी। अच्छा, दूसरी चीज इसमें एक चीज और है ये कोर्ट के अलावा कि FIR जो है पुलिस
उसमें लिखाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है, इसको पुलिस मना नहीं कर सकती है। जी जी। और एफआईआर भी जो है दो तरीके से, एक असंज्ञेय और एक संज्ञेय। संज्ञेय में ये कि गंभीर मामले और असंज्ञेय में कम गंभीर मामले। हाँ। और दूसरे कुछ मामलों में पुलिस जो है सीधे सीधे एनसीआर रिपोर्ट दर्ज करती है। एनसीआर का मतलब नॉन कॉजिंग, वही असंज्ञेय एफआईआर कि जिसमें जैसे किसी का मोबाइल चोरी हो गया या कोई छोटी मोटी चैन चोरी हो गई या उसकी पिक पॉकेटिंग हो गई, तो पुलिस इस मामले को जो है एनसीआर में दर्ज करती है। और एनसीआर भी करीब करीब एफआईआर तो नहीं होती है, लेकिन ये वो डॉक्यूमेंट कि अगर भाई जो कभी पुलिस ने कोई सामान उसका रिकवर किया तो वो अदालत में एक प्रूफ डॉक्यूमेंट होता है। या जैसे मोबाइल में किसी ने उसका कोई मिसयूज कर लिया, उसका डीएल मिसयूज कर लिया, पैन कार्ड मिसयूज कर लिया, तो ये एनसीआर में जब दर्ज होता है तो उसका एक प्रूफ रहता है कि हमने देखिए जैसे ही हमारे साथ घटना घटित हुई हमने तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया और पुलिस ने जो है इस पर हमको ये कॉपी जो है रिसीव करके दे दी है। तो एक उससे उसमें भी उसकी बचत हो जाती है ताकि उसके खिलाफ कोई ऐसा मामला ना बन पाए जो किसी दूसरे ने किया है और वो उस पर आ जाए, तो उसको एनसीआर में बचत हो जाती है। और पुलिस ज्यादातर एफआईआर दर्ज इसलिए भी नहीं करती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती है कि उसके थाने का आपराधिक ग्राफ बढ़े कि इतने मामले बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, दूसरी चीज उसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में तमाम जगह उसकी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, डीएम को यहाँ भी जाती है, संबंधित अदालत जाती है, एसपी के यहाँ जाती है, सीओ के यहाँ जाती है, तो इन सब प्रक्रियाओं से बचने का। अच्छा, दूसरी चीज तमाम थानों में इतनी भी दिक्कत है कि वहाँ जो है क्या कहते हैं कागज वगैरह नहीं रहते हैं तो उससे भी दिक्कत होती है। तो इस मामले को उलझाने के लिए पुलिस दो चार दिन जो है मामले को लटका देती है, और लेकिन जबकि लटकाना नहीं चाहिए, इस लटकाने में भी अगर मामला दर्ज हुआ सर तो इसीलिए आज आज इस विषय को हम लेकर आए क्योंकि बहुत से लोग पीड़ित ऐसे होते हैं जो अपनी शिकायत दर्ज कराने के मकसद से पहुंचते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, इसमें यही हम कह रहे हैं कि अगर पुलिस थाने पर वो पहुंचता है और संबंधित अधिकारी ने उसके खिलाफ वो रिपोर्ट नहीं दर्ज करता है और बाद में सीओ स्तर से या अधिकारी स्तर से मामले की जांच हुई है और वो अधिकारी दोषी पाया गया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, टर्मिनेट भी किया जा सकता है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है कि उसने अपनी ड्यूटी का पालन सही ढंग से नहीं किया। चलिए, ऐसा कोई एग्जांपल देखने को मिला है इससे पूर्व में हम इस पर भी बातचीत करेंगे क्योंकि इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गुरुवचन जी पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। गुरुवचन जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है जी आवाज जी। कल मैंने जी आपको कुछ सवाल किए थे वो एग्रीमेंट के आधार पे। जी जी। वो मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मैं टीवी पे आपकी बात सुनूं या फोन पे बात सुनूं। जी। मैं आज दोबारा आपको बता आप रही फोन हूं। पर बात सुनिए, टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद कर दीजिए और अपना प्रश्न कर दीजिए। फोन का जीरो कर दिया वॉल्यूम जी। ये मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, एक एग्रीमेंट में जो प्रॉपर्टी का होता है, अनमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट है, उस पे जो एग्रीमेंट लिखा है वो 25 रुपए की टिकट के ऊपर लिखा गया है, वो स्टाम्प नहीं है और उसके ऊपर सारी डेट्स कटी हुई हैं, वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, कटी हुई डेट्स हैं। और उसके बाद जो जिस आदमी ने एग्रीमेंट लिखा है वो कोई और आदमी है, जो विटनेस है उसके ऊपर जो विटनेस है उसने ही वो एप्लीकेशन एनओसी लेन के लिए भर दी है और अपना खरीदार बन गया और उसने अपनी जो लिखाई है वो मुकर चुका था कि हम एप्लीकेशन नहीं भरी एनओसी लेने के लिए जी। और वो हमने टेस्ट करवा दी है एक्सपर्ट से कि उनकी लिखाई है जी, वो जी। हर चीज से मुकरत होता है जो कटी, पहले तो एग्रीमेंट में सभी कटिंग है, फिर वो आदमी हमारा जो एफिडेविट भी बनाता है हमारी गैर हाजिरी से बनाता है और एनओसी भी हमारी गैर हाजिरी से ले लेता है खुद और खुद विटनेस भी बन जाता है और केस भी प्लीड करता है और कोई गवाह नहीं है, वो अकेला ही है। ठीक, गुरुवचन जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपको विकल्प बताएंगे, उन विकल्पों को आप ध्यान से सुनिएगा और फिर उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर जो आपकी समस्या है इससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। राजेश पटवा जी, आपके चेहरे पर मुस्कान है, क्या जवाब देंगे गुरुवचन जी को?
जी देखिए ऐसा है, जिस तरीके से इन्होंने बात बताई है, अपनी समस्या बताई है जी, तो कहीं ना कहीं इनको इसका उत्तर भी मालूम है, मगर मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, अगर पहली नजर में ये केस जो है धोखाधड़ी का लग रहा है तो इसमें इनको सबसे पहले कंप्लेंट करनी चाहिए कंसर्न थाने में जी, और अगर थाने से अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो इनको आला अफसरान को जो कि कानून में प्रावधान है वहां कंप्लेंट करनी चाहिए कि इनका जो शिकायत है उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है जी, और उसके बाद जब आला अफसरान अगर उसमें कार्रवाई नहीं करते हैं और FIR दर्ज कराने की डायरेक्शंस नहीं देते हैं तो ये कोर्ट में अप्रोच करके इसमें FIR दर्ज कराने के लिए ये अर्जी दे सकती है और अपना मुकदमा कायम करवा सकती है। एक जो इनका सवाल है, इनको डर इस बात का है कि जो एग्रीमेंट उस शख्स के पास है जिसमें कुछ त्रुटियां हैं, जैसे कि वहां पर तारीख में कुछ बदलाव किया गया है, कुछ जगह पर कटिंग्स है, तो क्या वो वैलिड रह जाता है इन परिस्थितियों में, या फिर इन्हें डरने की जरूरत नहीं है? पक्ष है कि इनका कहना ये है इस चीज के बारे में, बाकी ये उसमें सूचना दें, अगर ये उससे जो है अगर ये एग्रीव्ड है पीड़ित है उस चीज से तो ये वहाँ कंप्लेंट लिखवाए, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगी जो भी पुलिस करेगी, और आगे इनका कहना ये कि इन्होंने एक्सपर्ट से भी रिपोर्ट ले ली है, अब उस एक्सपर्ट ने क्या जिसने वो एग्रीमेंट लिखा है उसके साइन लिए हैं, हैंड राइटिंग ली है नहीं ली है, ये सब बातें ध्यान देने योग्य हैं, तो मुझे लगता है कि हम इस बात को हम टीवी में ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, इनको जो अपने ये कागजात हैं इनको भिजवाने चाहिए और इसको जो है चले बिल्कुल जो फौरी उपचार अभी गुरुवचन जी आपको राजेश पटवा जी ने बताया है, अगर वो रास्ता आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो परेशानी उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। और आपसे एक निवेदन ये कि आपका ये जो भी विवाद है इससे संबंधित दस्तावेजों की अगर कॉपी आप एक हम तक उपलब्ध करा दें तो उसका निरीक्षण करने के बाद क्या और बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं RC यादव साहब आपके पास आऊंगा, जो हम CRPC के तहत बात कर रहे हैं कि आपराधिक शिकायतों को लेकर कानून क्या कुछ कहता है, फिर ऑनलाइन शिकायत बेमानी नहीं हो जाती, जैसा केशव पांडे जी कह रहे हैं कि पुलिस तो ज्यादातर बचने का प्रयास करती है कि हमारे पुलिस स्टेशन में कम से कम FIR दर्ज हो, फिर ऑनलाइन FIR का मतलब कहाँ रह जाता है? जी नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, अब तो ये प्रोसीजर आ गया है कि आप अपनी बात को ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप ऑनलाइन जो है आप कंप्लेंट कर सकते हैं और वो पूरी ट्रीट की जाएगी एज FIR, कोर्ट ने उसको कानूनी रूप से मान्यता दे दी है, इसमें कोई संशय की बात नहीं रह गई है आप। और ये बात सही है जैसा कि पांडे जी कह रहे थे कि पुलिस इन चीजों से बचती है, कम से कम FIR लिखावे, तो उसके लिए सबसे बढ़िया वो है कि आप 156(3) CRPC के तहत अपनी दरखास्त दे सकते हैं, उसमें आप सारी चीजें कह सकते हैं, और जैसा अभी पांडे जी ने आपको बताई दिया सेम चीज मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि कोर्ट जो है थाने से आख्या मंगाएगी कि कोई इसके संबंध में मुकदमा दर्ज है या नहीं, और उसके बाद तुरंत वो कोर्ट जो है संबंधित थाने को डायरेक्शन देगी कि आप इसको मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें और फाइनल उसको करें, तो ऐसी कोई बात नहीं। अब किसी भी ये तो मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ये मैंडेटरी अधिकार दिया है कि हर व्यक्ति की व्यथा जो है सुनी जाए, तो इसलिए कोई अब ये पुलिस वाला नहीं कह सकता है कि मैं ये FIR नहीं लिखूंगा तो उसकी बात कहीं सुनी ही नहीं जाएगी। अल्टीमेटली कोर्ट्स हैं हमारे सामने जो कि हर नागरिक की मदद करती हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि कोई भी नागरिक अब ये नहीं कह सकता कि हमारी FIR नहीं लिखी गई। चले बिल्कुल, इसीलिए कि लोगों में जागरूकता बढ़े और लोगों को ये पता हो कि कानून उन्हें क्या कुछ अधिकार देता है, इसलिए लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है। लेकिन केशव पांडे जिस तरह से आपने भी अभी कहा कि चाहे चेन स्नेचिंग जैसी वारदातें हो, झपटमारी हो, या फिर मोबाइल चोरी जैसी, आप खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं बचने का प्रयास होता है, NCR भले ही दर्ज कर ली जाती हो लेकिन आपको लगता है कि मामलों का निक्षेपण हो पाता है? अगर किसी का मोबाइल अगर मान लीजिए चोरी हो गया या किसी ने छीन लिया तो कितना उम्मीद उसे रह जाती है? एक सेकंड हम यहीं पर सुनिए, जरा सर मेरी बात सुने यहीं पर, क्योंकि फिर बड़ा लंबा हो जाता है तो वो बात आ नहीं पाती है। जो NCR है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट्स है उसमें भी जो है पुलिस को पावर है, हम एप्लीकेशन देते हैं 155(2) CRPC के तहत, तो अगर विवेचना लायक कोई केस है तो मजिस्ट्रेट उसको डायरेक्शन देता है पुलिस को सब इंस्पेक्टर को कि आप इस मामले में विवेचना करें। एक वो तो मोबाइल चोरी का उदाहरण दे दिया उन्होंने, वो NCR में जहां तक मैं समझता हूं नहीं आएगा। NCR में वैसे जैसे छोटी मोटी सिंपल मारपीट हो गई तो वो उसमें 323 और 504 506 में FIR दर्ज हो गई,
हुई, फिर पता चला कि आपके इंजरीज गंभीर हैं, तो डॉक्टर की वो रिपोर्ट लेकर के मेडिकल इंजरी लेकर के आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने 155-2 में दरखास्त दे देंगे, तो वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर देगा, वो सेम रिजल्ट रहेगा चाहे एनसीआर का हो चाहे फिर ये कागजेबल रिपोर्ट का हो, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक, और एक एक बात का जिक्र, केशव पांडे जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, आपने कहा कि अगर पुलिस कर्मियों की तरफ से शिकायत दर्ज करने में मनमर्जी की जाती है या फिर फरियाद को नहीं सुना जाता है तो ऐसे में कार्रवाई भी उन पर होती है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ है या फिर कुछ फीसदी में आंकड़ा बता पाए आपकी ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है पुलिस कर्मचारियों पर? अधिकारियों पर क्या, यही अभी लखनऊ में भी एक संबंधित थाने में इस तरीके का मामला हुआ था, तो उसमें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उन लोगों का ट्रांसफर भी कर दिया गया था, कुछ उसमें सस्पेंड भी हुए थे। इस तरीके से 166 के तहत या CRPC के तहत कार्रवाई होती है इन ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो अपने कर्तव्य को कोताही बरतते हैं, FIR वगैरह दर्ज नहीं करते हैं, ये इस तरीके के मामले में है। और अभी देखिए यादव जी ने बताया भी कि 155 में NCR के तहत जो है कोर्ट में एप्लीकेशन, लेकिन उसमें जो वादी है वो आएगा कोर्ट में एप्लीकेशन देगा के, पुलिस नहीं आएगी कि हमको जो है ये NCR आई है तो इस पर साहब हम क्या कार्रवाई करें, वादी आएगा कोर्ट में और वो एप्लीकेशन कोर्ट में देगा, फिर कोर्ट उस पर जो है वो कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करेगा। और वो अलग अलग घटनाएं अलग अलग, जैसे हमने तो एक खाली सिंपल चोरी है उसका बताया, और जैसे यादव जी ने उसको क्लियर कर दिया कि अगर मान लीजिए मारपीट हुई, छोटी मोटी घटना हुई, बड़ी घटना हुई, गंभीर घटना हो गई, तो वो फिर कोर्ट उसी हिसाब से उस पर डायरेक्शन देके आगे कार्रवाई करती है। चले, हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके सामने है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको अगर नजर नहीं आ रहा तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। राजेश पटवारी, मैं आपके पास आऊंगा, अगर कोर्ट के मार्फत अगर कोई अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता है, जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि उन परिस्थितियों में जब पुलिस सुनवाई नहीं करती है, तो सबूत कितना मैटर करता है, बयान पहले रिकॉर्ड होता है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है? देखिए, ये दो तरीके से होता है कि अगर संगे कोई सीरियस ऑफेंस हुआ है तो उसके अंदर अगर किसी ने कंप्लेंट करी है थाने में और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो उनको लिखित कंप्लेंट देनी चाहिए और उसकी जो कॉपी है वो रिसीव करवानी चाहिए और आला अफसरान को देनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसके अलावा वो सीधा सीधा भी कोर्ट को अप्रोच करके वो कंप्लेंट केस अपना फाइल कर सकते हैं, अपने बयान करवा सकते हैं। तो देखिए, मैं धाराएं यहां गिनवाना नहीं चाहूंगा क्योंकि जो आम लोग हैं वो सीधा सीधा ये समझना चाहते हैं कि वो क्या कार्रवाई करे अगर पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती है। आप अगर आपको लगता है कि आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, आपके हरेसमेंट होती है, आप नहीं जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप कंप्लेंट केस अपना जो है फाइल कीजिए, अपने बयान कराइए, जो आपके गवाह हैं वो कोर्ट के सामने पेश होंगे और गवाही के बाद जो है इलाका मजिस्ट्रेट साहब जो है वो पुलिस को इंक्वायरी के लिए जो है वो आगे डायरेक्शंस दे सकते हैं, जिसके आधार पे जो है कोर्ट आगे सम्मन कर सकती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि दो तरीके से कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है। FIR ये है कि उसमें पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है और सम्मन केस और कंप्लेंट केस अगर सीधा फाइल करते हैं तो इलाका मजिस्ट्रेट के आप अपनी गवाही कराएंगे, आपके जो सबूत हैं आप सबूत देंगे और कोई गवाह है अगर आपका उसके साथ आप गवाह पेश करेंगे। आप जो सबूत और गवाह की हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोर्ट के माध्यम से FIR दर्ज होती है, अगर कोई व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध को लेकर कोर्ट की दहलीज तक पहुंचता है तो सबूत जुटाने की जिम्मेदारी क्या उस पर ही होती है या सिर्फ गवाह के तौर पर किसी को वो पेश कर सकता है और पुलिस की जिम्मेदारी होती है सबूत जुटाना? देखिए, एक चीज बहुत मैं क्लियर कर दूं, अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट कोर्ट में फाइल करता वहां पर है इलाका तो सारी जिम्मेदारी उसी की है। राजेश पटवारी, आऊंगा मैं आपके पास। RC यादव जी, हाँ जी, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यथा लेकर के सीधे कोर्ट में जाता है और कंप्लेंट फाइल करता है तो सारी एविडेंस उसको देनी पड़ेगी। यही फर्क होता है कंप्लेंट और FIR में। FIR में इलाज करने के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है और वो सारी चीजें अपने सबूत इकट्ठा करती है प्रोसिक्यूशन के लिए, और कंप्लेंट जो आदमी फाइल करता है उसको सारी एविडेंस
अपने से देनी पड़ती है, यही फर्क होता है। इसीलिए जो है लोग ज्यादा से ज्यादा एफआईआर लिखाने की कोशिश करते हैं कि कहां हम इस पछड़े में पड़े, कहां से एविडेंस लाएंगे, वरना जो जैसे अभी रावत साहब जो भी हैं दिल्ली हाईकोर्ट वाले, उन्होंने कहा ना जब हम लोग जागरूकता ला रहे हैं तो इस बात को भी लिया कि सेक्शन 200 में कंप्लेंट दाखिल होती है, उसके बाद उसमें 200 में ही कंप्लेनेंट का बयान होता है, फिर 202 में और लोगों के बयान होते हैं, फिर 2004 सीआरपीसी में इश्यूएंस ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें मजिस्ट्रेट को ऑप्शन है कि इवन देन ही कैन डायरेक्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस, या स्टेट में फिर जो है इश्यूएंस ऑफ प्रोसेस में वो समन जारी कर सकता है कागजेंस लेने के बाद। ये पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, राजेश पटवारी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो बयान होने के बाद जो है इलाका मजिस्ट्रेट साहब जो है वो तो पुलिस को डायरेक्शन दे सकते हैं इसमें इंक्वायरी करने के लिए, सबूत जुटाने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कंप्लेनेंट के ऊपर ही सारी चीजें हैं, और हमें यहाँ पर ही समझना पड़ेगा सारी चीजें जो भी है। संज्ञेय अपराध की श्रेणी क्या है और क्या नहीं है ये आम जनता को नहीं मालूम। उनके हिसाब से कोई भी उनके साथ अगर वो पीड़ित है कहीं से भी, उनको लगता है कि वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, और पुलिस काम करती है नहीं करती है, देखिए ये सब चीजें जो है कानून अगर कोई नहीं करता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी वो भी उसके अंदर प्रॉपरली मेंशन है, और उसके आधार पे कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अपना ग्राफ नीचे रखना चाहती है। देखिए उनके ऊपर भी कानून है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। जी जी, लेकिन जागरूकता बेहद जरूरी है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आपको नहीं पता होगा कि कानून आपको क्या अधिकार देता है। कंप्लेंट दी है उसकी आप कॉपी वहां पर रिसीव करवाएं, और ठीक आप कंप्लेंट दे रहे हैं उसी कॉपी आप वहां पर रिसीव। चलिए बिल्कुल, कार्यक्रम के समापन का भी वक्त है। एक फाइनल एक्शन केशव पांडे जी, मैं आपसे जरूर जाऊंगा, धारा 156(3) के अंतर्गत दुरुपयोग की कितनी संभावनाएं रहती हैं? धारा 156(3) के तहत जी जी इसमें एफआईआर के लिए जो है दर्ज कराने के लिए पीड़ित पक्ष जो है उसके साथ क्या घटना घटित की हुई है, क्या मारपीट हुई है उसके साथ, क्या छीना झपटी हुई है, या जो भी हुआ, या मांब आया है, या उसके घर में इवन अगर अभी तो खैर कोई भी घर में अगर घुस के उसके साथ घटना घटित करता है तो वो एक तरीके से अपनी तरफ से गवाह या कुछ ये बताते हुए कि इस तारीख को ये घटना घटित हुई, इस तारीख को ये हुआ, और वो जो है उसने एसएसपी को, डीआईजी को और संबंधित थाने को उसने रिपोर्ट के लिए अपनी कॉपी भी भेजी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, जिसके वजह से उसको अदालत आना पड़ा। अदालत फिर उस पर जो है आदेश करती है, सुनने के बाद फिर जैसा आदेश करती है अदालत, पुलिस को उसी के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करनी पड़ती है। चले बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ज्यादातर मामलों में जी बात पूरी कर लीजिए। ज्यादातर मामलों में यही होता है कि पुलिस जो है रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, और कहीं कहीं किसी ऐसे मामले में होता है जब नहीं लग पाता है तो अदालत उस मामले को एज ए कंप्लेंट ठीक करके उसको मुकदमा दर्ज कर लेती ये होता है। चले, जैसे शायद स्वतः संज्ञान भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हमारे दर्शक जो जुड़े उनके सवालों का वाजिब जवाब दिया, और इस विषय पर बारीकी से अपनी राय रखी। दरअसल कानून हर समस्या के समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके सामने मौजूद रहते हैं अपनी इस खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे देखिए 5 कदम मेरे सहयोगी अरविंद के साथ।